सभी से नमस्कार। खबर जड़ से डिजिटल देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ उज्ज्वल हांडा। इस समय हम भड़खल झील, फरीदाबाद की भड़खल झील में मौजूद हैं। आप ये झील का नज़ारा देख सकते हैं और यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं। और ये कौन लोग हैं मैं आपको बता देता हूँ। अभी बीती शनिवार को एक युवक यहाँ पर अपनी गाड़ी धोने के लिए आता है और गाड़ी धोने के दौरान उसकी इसी ये जो छोटा सा पूल टाइप बना हुआ है इस पानी में डूबने से उसकी मौत हो जाती है। तो इस मौके का जायज़ा लेने के लिए और इसके सावधानी के लिए इसमें क्या क्या कर सकते हैं, इसके लिए यहाँ पर DCP NIT कुलदीप सिंह मौजूद हैं। इसके अलावा हरियाणा टूरिज्म से कुछ एक अधिकारी मौजूद हैं, क्योंकि ये भड़खल झील जो है स्मार्ट सिटी के अंदर आती है, तो स्मार्ट सिटी के लोग भी यहाँ मौजूद हैं और भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं जो इस मौके का जायज़ा ले रहे हैं। और आप सामने देख सकते हैं ये जो छोटा सा हिस्सा जो पानी से भरा हुआ है, यहाँ पर एक युवक शनिवार को अपने दोस्तों के साथ अपनी गाड़ी धोने के लिए आता है और गाड़ी धोते धोते उसका पैर फिसलता है या क्या होता है अभी कुछ कंफर्म नहीं है कि डूबा कैसे है, लेकिन हाँ 29 वर्षीय इसका नाम साहिल सैफी था, वो यहाँ इस झील में डूब के उसकी मौत हो गई है। 29 वर्षीय साहिल सैफी और उसके बाद 2 बच्चे, एक लड़का और एक लड़की, और मौत हो जाती है। फिलहाल मौके का जायजा लेने के लिए इस समय यहाँ पे पुलिस अधिकारी यहाँ पहुँचे हुए हैं, DCP NIT यहाँ पहुँचे हुए हैं। और खासकर भड़खल वासियों से, भड़खल कॉलोनी वासियों से एक अपील करना चाहता हूँ। अपील ये है, बंद के अंदर अपने बच्चों को रोके, भड़खल झील पे घूमने आए पर पानी में ना उतारे, ये हर साल किसी न किसी बच्चे की बलि ले लेती है। यहाँ आने से बिल्कुल रोके, ये गंदा पानी है, रोकने की कोशिश करें। लेकिन सर, इस पानी की शीतलता लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है, गर्मी भी इतनी प्रचंड पड़ रही है, उसका क्या करें बताइए? इतनी मना करने के बावजूद भी लोग आते हैं, फिर उसका क्या किया जाए? स्विमिंग में जाएं, जान से अच्छा है 1,500 रुपए खर्च कर लें। जी जी जी, 100-200 रुपए में आज की डेट में फरीदाबाद में इतनी स्विमिंग खुली हुई है, मिल जाती है अपने बच्चों को। इसमें बीमारी उल्टा बीमार पड़ जाए नहाने से बच्चे को और बीमार होगा। तो मेरी यही बार बार अपील है, अपने बच्चों को यहाँ रोके चलिए, और गाड़ियों को धोने का जो यहाँ जो सिलसिला जारी है उन गाड़ियों को ना धोए यहाँ। जी जी जी, चलिए, ये आप स्थानीय लोग हैं, आप स्थानीय लोगों के प्रयास से ही संभव हो पाएगा। अभी हम जानते हैं DCP साहब अभी यहाँ पे आए हैं, तो क्या उन्होंने कोशिश की है, क्या लोगों को अवेयर करना चाहते हैं सर इसके बारे में आप? जैसे आपको पता होगा पीछे सिरोही झील में भी ऐसा ही सामने आ रहा था, कुछ इंसिडेंट्स हो रहे थे, तो यहाँ भी लगातार ही 2-3 ऐसे हो गए पिछले 1-2 महीने के अंदर। तो यहाँ जो लोकल गांव के नुमाइंदे हैं, सरपंच फैमिली से हैं कुछ लोग और बाकी पार्षद हैं और JEE आए हुए हैं स्मार्ट सिटी डिपार्टमेंट से, तो उनसे सबसे चर्चा करके यही सामने आ रहा है कि जैसे यहाँ बोर्ड नहीं लगा हुआ है तो एक बोर्ड लगाने की पहल कर रहे हैं, कल तक लगाने का है। उसमें गार्ड ऑलरेडी यहाँ पे एक थे तो उनको 2 करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस पेट्रोलिंग काफ़ी कम थी तो वो बढ़ा दी गई है आज से ही। तो ये कुछ पहल हम कर रहे हैं, उम्मीद है कि इस तरह का इंसिडेंट फिर ना हो यहाँ। तो सर, क्या इतनी प्रयास सफल रहेंगे, क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है और चारों तरफ से ये बिल्कुल सिटी के एक तरीके से कहते हैं हार्ट में है ये जगह और चारों तरफ से लोग आते हैं सर, और आजकल गर्मी भी इतनी प्रचंड पड़ रही है, लोग एकदम आकर्षित होकर इसके ठंडे पानी से चले आते हैं सर। नहीं, आप बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ रहे हैं, बेसिकली परसुएशन हम कर रहे हैं लोगों से आपके थ्रू कि इस तरह से लाइफ को रिस्क पे ना लगाएं इतना ज़्यादा, जो है इतना गहरा गड्ढा हो सकता है अंदर, उनको पता है ये एक्सकेवेट किया हुआ है, कहीं एकदम से 10 फीट हो जाता है 4 फीट से, तो अपना ध्यान दें। तो बिना लोगों की मतलब उसके इच्छा के तो हो नहीं पाएगा सर। एक बात और भी है, सरकार जो है इसको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर रही है और लोगों का ये मानना है कि सरकार हमारे लिए विकसित कर रही है, इसलिए घूमना भी हमारा एक तरीके से कर्तव्य बन जाता है, इसलिए बार बार लोग अट्रैक्ट होके आते हैं। तो सर, लोगों को फिर इसमें रोकना थोड़ा सा नहीं, रोकना घूमने का मतलब ये नहीं है कि उनको घूमने से हम रोकें, या वो घूमने का मतलब ये नहीं कि वो पानी में ही घुस जाएं नहाने के लिए या कोई और मौज मस्ती के लिए। तो उससे देख रहे हैं आप, डेथ हुई है, कैजुअलिटीज हो रही हैं, तो बिल्कुल लाइफ को रिस्क पे नहीं लगाना है, हमें अपनी सेफ्टी तो खुद ही पहले रखनी पड़ेगी। जी सर, कुलदीप जी, एक महत्वपूर्ण सवाल है और एक आखिरी सवाल है कि सिरोही गांव में जो घटना हुई थी उसमें जो जिन लोगों की मृत्यु हुई वो
आउट ऑफ सिटी रहेंगे, कुछ एक बल्लभगढ़ से थे, कुछ दिल्ली से थे। यहाँ जो स्थानीय जो शनिवार को साहिल सैफी नाम का युवक 29 साल का जो एक्सपायर हुआ है डूबने से, इसकी मौत हुई है, वो तो खुद भड़कल का था, उसको तो आइडिया होना चाहिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसके बावजूद गलती करी जी। इसी बारे में अभी जो उसी गाँव से कुछ लोग यहाँ पे हैं, आप भी बात कर रहे थे उनसे, तो यही सामने आ रहा था कि यहाँ के गाँव के लोग तो काफी जो है सजग है इस बारे में, फिर भी हो सकता है वो किसी जो है उसमें रहा हो अपनी ठीक से, मतलब उसमें उसको नहीं पता हो कितना गहरा है पानी, ज्ञान ना हो, तो वो बस एक्सीडेंटली ये हो गया। बाकी इन लोगों का कहना ये है कि गांव के लोगों को तो अच्छे से पता है कि पानी किस तरह का है, गंदा है या गहरा है, तो गांव के लोग बिल्कुल इसमें सजग हैं। वो बाहर से जो दाएं बाएं से आ जाते हैं आउटसाइड लोकल एरिया से, तो उनकी कैजुअलिटी ज़्यादा ये रहती है। और इसमें भी जैसे आप सुन रहे हैं, ये लड़का था तो इस गाँव में आया हुआ था, कहीं बाहर से किसी रिश्तेदारी से आया हुआ था। जिस भी एनआईटी हमारे साथ थे उन्होंने बताया कि अब यहाँ पर जो मौके पर है, मौके का जायजा लेने के पहुँचे, और साथ साथ जो इस झील में जिन झील को भरने के लिए जो जो विभाग जो है सहयोग कर रहा है, जैसे कि हरियाणा टूरिज्म विभाग और इसमें स्मार्ट सिटी विभाग जो है वो सहयोग कर रहा है, तो उनको भी यहाँ पर मौके बुलाकर और स्थानीय लोगों को मौके पर बुलाकर उनसे राय ली जा रही है कि हम जो विभाग है, पुलिस विभाग है, जो बाकी के विभाग हैं वो क्या कर सकते हैं। तो फिलहाल हमने देखा टीसीपी एनआईटी मौके पर थे, उनसे बात करने का भी प्रयास किया हमने। तो आप सभी से रिक्वेस्ट इस खबर को शेयर करें, और आप सभी से रिक्वेस्ट कि ये जो जिस जब आप भड़कल झील पर घूमने आए तो कृपया इस पानी से दूर रहें, क्योंकि ये जो अलग अलग जगह पे पानी इकट्ठा हो रखा है, क्योंकि यहाँ पर गहराई का कुछ पता नहीं है कि गहराई कितनी होगी, कहीं जगह गहराई 2 फुट है तो कहीं जगह गहराई 20 फुट भी है। तो कृपया इस झील से दूर रहें, और फिलहाल आप देख सकते हैं कि कितना निर्माण कार्य यहाँ पर चल रहा है, और ये लगातार इस निर्माण कार्य चल रहा है, और जिस हिसाब से बताया जा रहा है कि निर्माण कार्य जल्दी पूरा होगा तो लगता नहीं है बिल्कुल भी कि ये साल डेढ़ साल दो साल से पहले ये पानी भी भरा जा सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से स्पीड है इस झील को भरने की वो बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा कम है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट खबर को शेयर करें, और कृपया इस भड़कल झील जैसी जो फरीदाबाद के अंदर अरावली में जो अलग अलग झीलें बनी हुई हैं, कृपया उससे दूर रहें और अपनी जान की खुद सेफ्टी रखें। तो आप सभी से रिक्वेस्ट खबर को शेयर करें, किसी और खबर के साथ दोबारा जुड़ेंगे आपके साथ। खबर जड़ से डिजिटल देख रहे हैं आप, और मैं आपके साथ उज्ज्वल हांडा, बहुत बहुत धन्यवाद।